स्वागत है आप सभी का बस क्लिक में। आज मैं जाने वाला हूँ श्रीनाथ सॉलिटेयर में। श्रीनाथ सॉलिटेयर की भारत बेंच एस सीटर बस है। ये बस जो है अभी भी श्रीनाथ सॉलिटेयर ने लिए लेटेस्ट, और मैं इसमें जाने वाला हूँ आज। यहाँ पे आज मैं शाहीबाग में हूँ, अहमदाबाद में। अहमदाबाद से जाऊँगा उदयपुर में, और देखते जर्नी कैसे जाती है। मैं अभी श्रीनाथ सॉलिटेयर की जितनी भी है अहमदाबाद से नाथद्वारा या उदयपुर जो बस चलती है उसमें जर्नी करने वाला हूँ। थोड़े दिनों में आपके पास आएगी वीडियो, तो ऐसा रहेगा। ये ऑफिस देख लीजिए आप लोग, यहाँ वेटिंग एरिया वगैरह दे रखा है। ये वेट कर रहा हूँ मैं बस का। यहाँ पे बस जो है पालड़ी से आने वाली है, या फिर सैटेलाइट से मुझे ये नहीं पता, पर हाँ मेरे ख्याल से पालड़ी से आने वाली है। तो यहाँ पे आएगी और फिर चलते हैं, जर्नी चालू करते हैं। आप लोग भी वीडियो के लिए देखना चालू किया तो लाइक कीजिएगा और बताइएगा, और किसी रूट पर जर्नी चाहिए तो। चलिए करते हैं स्टार्ट। सो बस आ गई हमारी, ये भारत बेंच वगैरह की बैजिंग हुई हुई है। जल्दी से बस दिखाता हूँ आपको, इससे अभी टाइम कम नहीं है मेरे पास, 2 मिनट है तो मैं दिखाता हूँ जल्दी से। देख लीजिए आगे से भारत बेंच की बैजिंग हुई हुई है, और ये लाइट्स मस्त लग रही है मुझे। बस जो है पुष्कर कोच बिल्डर से बनी हुई है, और जो मुझे लेंथ थोड़ी कम लग रही है तो लेंथ आपको पूछ के बताऊँगा। मेरे को श्योर नहीं, यहाँ पे श्रीनाथ सॉलिटेयर की बैजिंग हुई हुई है। यहाँ पे साइट लिखी है श्रीनाथ सॉलिटेयर की, और हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है। और पीछे दिखा देता हूँ, पीछे अभी वैसे लगे रख रहे हैं, तो भी दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से। पीछे से भारत बेंच का लोगो लगा हुआ है और श्रीनाथ सॉलिटेयर की वो बैजिंग हुई हुई है। और बाकी आपको मैं रेस्ट स्टॉप पे दिखा दूंगा इंटीरियर वगैरह, क्योंकि मेरे को लग रहा है बस अभी अंदर से भरी हुई होगी। देखता हूँ अंदर जाके कैसी है। अब अभी ऐसे देख लीजिए, फिर मैं आपको रेस्ट स्टॉप पे सही से दिखा दूंगा। देख लीजिए बस का केबिन, भारत बेंच की बस बनी हुई है और 2x1 है बस। दिखाते हैं आपको, 2x1 है। और जो बस जो है लगभग, मतलब लेंथ छोटी 12 मीटर से कम ही है। मैं अभी अगर ड्राइवर अभी मिले नहीं तो बताऊँगा, बताया नहीं उनसे। और यहाँ पे देख लीजिए टीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि USB नहीं है, नॉर्मल वाला है, तो ये सही रहेगा। और ऊपर से कोई दिखाता हूँ एमिनिटीज का क्या। यहाँ पे AC का ब्लोअर दिया हुआ है, रिंग लाइट दी हुई है, और बस यहाँ पे यही है। और CCTV कैमरा मैंने आपको बता दिया। बाकी अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नी को। बस मेरे ख्याल से टाइम हो गया, 1 मिनट बच रहा है, तो बस 1 मिनट बाद निकलेगी गाड़ी। अब बस सही लगी मुझे, सब कुछ सही है, एमिनिटीज वगैरह। और आपको बता दूँ, मतलब फुट जो है, मतलब लेग स्पेस है बस, इस बस में बहुत ज़्यादा सही है कंपेयरटिवली टू, मतलब मैंने अभी थोड़े दिनों पहले चार्टर्ड या और भी वॉल्वोज में सफ़र किया था, तो मतलब सीटर वॉल्व होती तो उनमें लेग स्पेस बहुत कम होता है। मेरी हाइट ज़्यादा है तो मेरी लेग स्पेस चाहिए होता है मुझे ज़्यादा। और एक चीज़ बता दूँ, जैसे टीवी है, टीवी थोड़ा सा इस साइड लगा हुआ है, तो मेरी हाइट ज़्यादा है, इस वजह से टीवी खाली मेरे को ही दिखेगा, मुझे लग रहा है पीछे वाले को नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है, इसलिए ये बस। वैसे मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो दिखेगा, पर फिर भी देखने के लिए। 8:15 हो रहे हैं अभी, और अभी हमारे ड्राइवर भी आ चुके हैं मेरे ख्याल से। हाँ, अभी फिक्स टाइम पे निकल जाएंगे, इसकी लगेज वगैरह भी लोड हो गया पूरा। ये चीज़ अच्छी है कि बस थोड़ी पहले आज तो क्या होता है ना, लगेज वगैरह लोड होने का टाइम वेस्ट नहीं होता, तो ऐसे ये ऑन टाइम चलेंगे बस, रेडी हम चलने को। मैं आपको स्टाफ से बात, अभी थोड़ी देर बाद रेस्ट अप करता हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, ये लोग भी थोड़े से ऑक्यूपाइड है, क्योंकि बार बार लगेज रखना और ये सब काम रहता है, तो इसलिए अभी स्टाफ से बात में बात करूँगा आपको। अभी हम शाहीबाग से निकल चुके हैं, और केविन रेड जो है, मैं आपको थोड़ा सा बाहर निकल के दिखाऊंगा, मतलब अहमदाबाद से बाहर, क्योंकि अभी अहमदाबाद में खाली ट्रैफिक दिखेगा तो मतलब नहीं, मैं आपको अहमदाबाद से बाहर निकल कर केविन रेड दिखाऊंगा। तो हर एक पैसेंजर का एक 500 ml वाटर बॉटल, और एक ये वेट वाइप्स है, ये मिलता है, ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा सही चीज़ है, काम आती है, देख लीजिए। ये बस के बोर्डिंग पॉइंट देख लीजिए, सैटेलाइट से स्टार्ट हुए पाली गीता मंदिर शाहीबाग और मोटा चिलोड़ा पे एंड होती है 9 बजे, मतलब इतने बोर्डिंग पॉइंट है। बाकी श्रीनाथ सॉलिटेयर की जितनी भी बसेज है ये देख लीजिए, सुबह सुबह अहमदाबाद से वॉल्वो चलती 6:30 बजे, 7:30 बजे भारत बेंच चलती है जिसमें अपन है, और फिर दिन में एक भारत बेंच सेमी स्लीपर चलती है 1 बजे, और एक चलती है शाम को 4 बजे भारत बेंच एसी सीटर, तो सेम अपनी वाली वैसी।
बाकी तो नॉर्मल इस स्लीपर वगैरह है, भारत में जैसे स्लीपर वो सब तो है ही, और सेम वहाँ से भी यही बसें हैं, बस फ़र्क इतना है कि वॉल्वो की जगह दिन में वॉल्वो हो जाती है यहाँ पे, और सुबह सुबह भारत में सेमी स्लीपर होती है। अभी हम हॉल्ट पे रुके हैं और ये जगह का नाम मारुति नंदन रिसोर्ट, यहाँ मैं पहले भी आया हुआ हूँ, तो अच्छा रिसोर्ट है वैसे ही है। और जर्नी मेरी अच्छी चल रही है बहुत ज़्यादा, मतलब एक चीज़ जो अच्छी है मेरे लिए कि 2x1 कॉम्बिनेशन है बस का, तो मैं वन मतलब एक साइड जो साइड वन है उस साइड बैठा हूँ, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं। वरना क्या होता है 2x2 के अंदर क्या होता है ना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो पास में जो बैठा है वो थोड़ा फैल के बैठता है, दिक्कत रहती है। वन में अपना ही सब राज होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए सही रहता है। बाकी जर्नी अभी मैं दिखाता हूँ आपको होटल अगर कैसा है और क्या है। चलिए, तो मैंने लिए एक मिक्स वेज जो सब्जी और प्लेन रोटी और एक छाछ, दिन में सही है और रेट भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है यहाँ पे, तो सही है सब। और बाकी रेस्टॉप मैं बताता हूँ कैसा क्या है। 20 मिनट्स का होल्ड हो गया हमारा। ये चीज़ इस रूट पे या फिर राजस्थान और गुजरात साइड की बसों में सही है कि एटलीस्ट 20 या 25 मिनट्स का होल्ड देते हैं। बाकी मैं थोड़े दिनों पहले अभी MP में गया था, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे चार्टर्ड बस और वर्मा ट्रेवल्स की बस थी, तो उसमें 10 मिनट्स का होल्ड आता था, तो 10 मिनट्स में कुछ भी नहीं हो पाता, तो इसलिए कम से कम 20 मिनट्स का होल्ड आना चाहिए। तो ये चीज़ सही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हर एक कंपनी की ये चीज़ सही है कि एटलीस्ट 20 मिनट्स का भेज देते हैं वो।
हो गई मेरी जर्नी कंप्लीट और अच्छी है जर्नी। अभी मैं रेटिंग स्टैंड क्या पे उतरा हूँ, तो आप लोग भी वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और वीडियो पर कमेंट कीजिएगा कैसे लगी वीडियो आपको, और चैनल से जुड़ जाए सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए ये बस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।